नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 24 नवंबर 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में, केतु तुला राशि में, सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शनि मकर राशि में और गुरु मार्गी हो गए हैं और मीन राशि में स्वगृही हैं। ये सुखद बात है। मंगल अभी वक्री गति से चल रहे हैं। राशिफल देखते हैं। मेष राशि भाग्य साथ देगा, खर्च की अधिकता जितना मन को परेशान करेगी उतना ही भविष्य के लिए सुखद भी होगी, क्योंकि शुभ कार्यों में खर्च हो रहा है। चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार ठीक चल रहा है। सूर्य को जल दें। वृषभ राशि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई नए व्यापार की शुरुआत न करिए। विपरीत लिंगी संबंधों में कोई लांछन लग सकता है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार मध्यम, लाल वस्तु का दान करें। मिथुन राशि शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा लेकिन पैरों में चोट चपेट लग मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति ठीक ठाक, व्यापार भी अच्छा दिख रहा है, लाल वस्तु का दान करें। कर्क राशि स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, प्रेम संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखिए, लाल वस्तु पास रखें। सिंह राशि घर की स्थिति ठीक नहीं है, कोलाहल मचा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, भौतिक सुख संपदा में परेशानी आ रही है, स्वास्थ्य मध्यम क्योंकि रक्तचाप अनियमित हो सकता है, प्रेम संतान थोड़ा सा सुधार हो गया, व्यापार भी आपका सुधार की तरफ जा रहा है, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि घोर पराक्रमी बने रहेंगे, आप द्वारा किया गया पराक्रम सफलता की तरफ लेके जाएगा, कोई नए व्यापार की शुरुआत मत करिए, नाक कान गला की परेशानी हो सकती है आपको, प्रेम संतान की स्थिति अच्छा है, व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा, लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि मुख रोग के शिकार हो सकते हैं, धन हानि का संकेत है, निवेश करना वर्जित है आपके लिए अभी, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान ठीक ठाक, व्यापार लगभग ठीक रहेगा, मंगल का दान करें, बजरंग बली का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि उतार चढ़ाव लगा रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, थोड़े अप डाउन में फंसे रहेंगे, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति सुधार हो गया, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सुखद समय कहा जाएगा, काली वस्तु का दान करें। धनुराशि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करेगा, सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय सताएगा, खर्च की अधिकता रहेगी, प्रेम संतान मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मध्यम समय, काली वस्तु का दान करें। मकर राशि अर्थ का स्रोत बढ़ेगा लेकिन कोई गलत रास्ता मत इख्तियार करिएगा, यात्रा में कष्ट होगा, भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार लगभग ठीक रहेगा, लाल वस्तु का दान करें। कुंभ राशि कोर्ट कचहरी में जीत मिलेगी लेकिन किंतु परंतु के साथ, व्यापारिक असफलता और सफलता के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, भ्रामक रहेगा, पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, खुद के भी रक्तचाप पे ध्यान दें, प्रेम संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, एक मध्यम समय है लेकिन नुकसान नहीं होगा, हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि यात्रा में कष्ट, धर्म में अति से बचे, प्रेम में तूतू मैं, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, व्यापार भी मध्यम रहेगा, काली जी को प्रणाम करते रहें। नमस्कार।